इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 चीतों को कूनो नेशनल पार्क के क्वारंटीन बाड़ों में छोड़ दिया। उनके साथ केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह मौजूद थे। इन चीतों को क्वारंटीन बाड़ों में एक महीने रखा जाएगा और इस दौरान इन्हें भैंसों का मांस खिलाया जाएगा। बता दें कि नामीबिया से आए चीतों को भी 1.5-2 महीने तक क्वारंटीन बाड़ों में रखा गया था। दक्षिण अफ्रीका से आए चीतों को रिलीज करने के बाद अब कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़कर 20 हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि चीतों के आने से कूनो नेशनल पार्क के आसपास के क्षेत्र में रोजगार के साधन बढ़ने लगे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इस समय हम कूनो राष्ट्रीय पार्क के पास खड़े हुए हैं, जहां आज 12 चीतों को सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा रिलीज किया गया है। हमारे साथ स्थानीय संवाददाता नितिन हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। नितिन, 12 आज छोड़े गए हैं, इससे पहले छोड़े गए थे, कुल मिलाकर 20 संख्या हो गई है चीतों की, क्या फायदा होने वाला है? जी बिल्कुल, नामीबिया से 8 चीते आने के बाद में 12 चीते नए रिलीज किए हैं। हालांकि इससे पहले श्योपुर जिले को कोई नहीं जानता, सबसे पहली बड़ी पहचान श्योपुर को मिल चुकी है, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क पूरे इंटरनेशनल के तौर पर जाने लगा है। हालांकि यहां पर जमीन जो भाव थे पहले बहुत कम थे, अब रोजगार बढ़ रहा है, होटल्स खोल रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी सिटी के लोग यहां पर आकर जमीन खरीद रहे हैं। आज 12 चीतों को रिलीज किया गया है कूनो नेशनल पार्क में, कुल चीते 20 हो चुके हैं, कितना फायदा आपको होने वाला है? हमको ये रोजगार बढ़ने वाला है, हमारा बहुत फायदा होने वाला है आगे चल करके, जो है कि ये जमीन वगैरह बहुत महंगी होने वाली है और हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि काफी खुशी का माहौल इस गांव में है, क्योंकि एक सोपुर की जो पहचान है वो अब चीतों के नाम से भी यहाँ पर सोपुर को जाना जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में लगातार जो चीतों का कुनबा है वो अब बढ़ रहा है। अब देखना यह होगा कि जल्दी कूनो नेशनल पार्क में किस तरह की व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, सोपुर।